प्रयागराज से मानवेंद्र, फूलपुर अहम सीट और ऐसे में देखा गया पिछले दिनों की बात की जाए, तारीखों का तो ऐलान हो गया है कि 13 नवंबर को उपचुनाव, लेकिन यहां लेकर पेच गठबंधन में फंस गया था कि ये सीट चाह रही थी कांग्रेस, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का तो ऐलान कर ही दिया था। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने मुश्तबा सिद्दीकी के नाम का ऐलान कर दिया है। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2022 की बात करें तो 2700 कुछ वोट से हारे थे, तो उनको एक दावेदार, प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बदले हुए हालात में किस तरह की तस्वीर सामने आती है, और अगर फूलपुर सीट की हम बात करें तो फूलपुर सीट पर 2022 में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी काफ़ी सीट पे पिछड़ती हुई दिखाई दी थी, और तमाम जो वोटर्स हैं उन्होंने एक तरह से उस सीट पर बीजेपी की हार हुई थी। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव है, उस चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव में बेहद अहम होगा जिस तरह से तस्वीर सामने आई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 13 नवंबर को चुनाव है, फूलपुर सीट पर चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? फूलपुर का उपचुनाव, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा की सीट थी और इस बार उसकी लोकसभा सीट भी हम लोगों ने जीती है और आने वाले समय में भी लोकसभा सीट आपने जीती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट आपने हारी है। देखिए, वो कभी भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा हो, 5 जीते। कभी कभी स्थानीय समीकरण गड़बड़ होते हैं, कुछ भ्रांतियाँ होती हैं। जैसे हम सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में एक प्रोपेगंडा जो है अन्य विपक्षी दलों द्वारा, प्रमुख रूप से कांग्रेस और सपा के द्वारा चलाया गया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, उसका कहीं ना कहीं हम सबको नुकसान हुआ। लेकिन जून से लेके आज जो है अक्टूबर का महीना है और नवंबर में जब चुनाव होंगे तब तक बहुत सारा परिवर्तन समाज में आ चुका है। लोगों को समझ में आ गया है कि इस देश में मोदी और प्रदेश में योगी दो ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में यहाँ की जनता सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि फूलपुर का उपचुनाव हमारे दोनों नेताओं के चेहरे पे चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हरियाणा के जो चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, क्या लगता है कोई मोमेंटम एक बन गया है बीजेपी? मोमेंटम तो हमारा 2014 से बना हुआ था और हम लगातार चुनाव जीते। 2014 का लोकसभा जीते, 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा जीते, 2019 का हम लोकसभा चुनाव जीते, 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीते, और अभी आपने हरियाणा की बात की तो हमने हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हम सारे चुनाव जीतते हुए आए। ये जो एक भ्रांति चल गई कि मोमेंटम रुका नहीं, थोड़ी सी हमारी सीट कम हुई, पूर्ण बहुमत की ही सरकार हमारी एनडीए की है, बीजेपी की कुछ सीट कम हुई, लेकिन सरकार जैसे दो बार पहले 14 और 19 में एनडीए की थी केंद्र में, वैसे ही फिर से एनडीए की सरकार है केंद्र में। और इस देश में 10 साल शासन करने के बाद तीसरी बार शासन करना और जनता के द्वारा सीधे सीधे चुनकर आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की। ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है कि वो तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारा मोमेंटम कहीं रुका नहीं, हमारा मोमेंटम उसी स्पीड से चल रहा है और इस चुनाव में भी हम दिखाएंगे कि हो सकता है कि 10 की 10 सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आपको जीत कर देगी। वैसे 9 सीट पर बीजेपी की दावेदारी है, बीजेपी नेता आशीष गुप्ता, आप बताइए क्या लगता है फूलपुर सीट पर क्या होने जा रहा है? भाजपा की सीट निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। अब जो भी चुनाव हो रहे हैं इस बार, सारी सीटें मोस्टली जो है भाजपा की निकलेंगी। ऐसा क्यों लगता है? लोकसभा चुनाव में तो आप इलाहाबाद की जो इलाहाबाद सीट हार गए थे, इसके अलावा अगर फूलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो फूलपुर विधानसभा हार गए थे बीजेपी के लोग, उसके बाद भी आपको कैसे भरोसा है? कुछ लगता है कि कुछ नई चीज़ कुछ हो गई, कुछ परिवर्तन आ गया, या जो माहौल बना हुआ था वही माहौल है और समाजवादी पार्टी ने एक तरह से उस सीट को जीता था लोकसभा चुनाव? कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित किया गया था कि संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, बहुत सी अफवाहें उड़ाई गई थी जो लोगों को समझ में आ गई कि वो खाली अफवाहें थी, कहीं सच्चाई नहीं थी, और इस बार वोटिंग में वो चीजें देखने को मिल जाएगी। वोटिंग में देखने को मिलेगी। मुश्तबा सिद्दीकी हैं, एक बार के विधायक मानवेंद्र रुक जाइए, उत्तराखंड का भी हाल जान लेते हैं, क्योंकि केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव होना है 20 नवंबर को। अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, लोकसभा चुनाव बेहतर बीजेपी के लिए, विधानसभा चुनाव भी बेहतर बीजेपी के लिए, लेकिन पिछला उपचुनाव बेहतर नहीं था, तो ये उपचुनाव कहा जाए करो या मरो की लड़ाई रहेगी, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से पिछला उपचुनाव जीत कर भी जोश आई है वो बरकरार रहेगा? देखिए, हार और जीत से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों जो बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने एक नारा दिया था
कि बद्रीनाथ तो झांकी है, केदारनाथ बाकी है, और फिर आपने देखा होगा ये पूरा एक नैरेटिव तैयार किया गया था विपक्षी दलों द्वारा कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी भाजपा हार गई है और अब केदारनाथ की बारी है। तो इस तरह का एक नैरेटिव धार्मिक नज़रिए से दिया गया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करती है तो विपक्ष उसी तरह से मतलब तू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति हो गई थी। अभी जो केदारनाथ विधानसभा सीट थी वहाँ भाजपा के की सीटिंग एमपी थी, उनके निधन से, सैलारानी रावत के निधन से ये सीट खाली हुई थी और अब तक 5 चुनावों में 3 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस इस सीट को जीत चुकी है। अभी लेकिन बाई इलेक्शन यहाँ पर पहली बार हो रहा है, अभी प्रत्याशियों के नाम पर किसी ने पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ पर 20 नवंबर को मतदान होना है, 23 नवंबर को मतगणना होनी है, 29 तारीख यानी 29 अक्टूबर एक दिन नामांकन दाखिल करने के लिए होगा। केदारनाथ केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय जनता पार्टी थोड़े ही दिन बाद मंगलोर हरिद्वार की जो मंगलोर विधानसभा सीट है और चमोली की बद्रीनाथ सीट दोनों के उपचुनाव में बहुत बुरी तरह से कांग्रेस से हार गई। तो अब केदारनाथ में अगर वो मोमेंटो और वो टेम्पो बना रहता है कांग्रेस का तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मतलब इकबाल के तौर पर एक बहुत ही बड़ी हानि हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने वहां पिछले कई दिनों से लगातार डेरा डाला हुआ है, नई नई योजनाओं के शिलान्यास हो रहे हैं और लखपति दीदी के कार्यक्रम हो रहे हैं, मुआवजे बंट रहे हैं। आज भी पूरे सचिवालय में जितने भी विभागों की योजनाएं थी सबके जियो इस बात पर जोर था कि ECI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जारी हो जाने चाहिए, यानी गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट तक लगी रही कि वहां जितने भी जियो होने हैं विकास कार्यों के, लोकार्पण के, नई योजनाओं के, निर्माण के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सब कर दिए गए हैं। तो सरकार ने और भाजपा संगठन ने दोनों ने मिलकर पूरा जोर लगाया है कि इस सीट को किसी न किसी हालत में जीतना है, अन्यथा सीट तो एक है, सरकार के बहुमत पर, सरकार के अस्तित्व पर यहां कोई संकट खड़ा नहीं होगा, लेकिन सरकार के इकबाल पर बात जरूर आएगी केदारनाथ भाजपा हार जाती है। जी नहीं, अक्सर कहा जाता है कि जो चुनाव उपचुनाव होते हैं वो सरकार के फेवर में होते हैं, हिमांशु का रुख करते हैं, गाजियाबाद का हाल जानते हैं। हिमांशु, इंतजार था तारीखों का, तारीख तो आ चुकी है करीब एक महीना, और ऐसे में गाजियाबाद में क्या कुछ चर्चा है? और देखिए, गाजियाबाद को गढ़ कहा जाता है भाजपा का, और खासतौर पर गाजियाबाद में अगर हम लोकसभा की बात करें तो 5 विधानसभाएं लोकसभा के अंदर आती हैं और 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। जो गाजियाबाद की शहर विधानसभा है जिस पर उपचुनाव होना है, इस पर गाजियाबाद से पहले अतुल गर्ग जो कि अब मौजूदा सांसद हैं वो विधायक थे, उन्होंने विधायक के बाद एमपी का चुनाव लड़ा और एमपी का चुनाव वो जीते और उसके बाद से विधानसभा सीट खाली हुई और अब यहाँ से देखना होगा भाजपा किसको मैदान में उतारेगी। हमेशा से ही भाजपा के फेवर में ये सीट रही है, एक बार खाली कह सकते हैं कि बसपा से यहाँ पर जो सुरेश बंसल थे वो यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर जीते थे, उसके बाद से भाजपा का कब्जा लगातार यहाँ पर रहा है क्योंकि वैश्य और ब्राह्मण और ठाकुर बाहुल्य वोटर्स हैं यहाँ पर और उसके लिहाज से देखा जाए तो सभी जितने भी जनरल कास्ट के वोटर हैं वो सभी भाजपा सपोर्टिव है, तो इसलिए ये 4,20,000 वोटों वाली लगभग ये जो विधानसभा है ये भाजपा के फेवर में जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन पत्ते अभी तक भाजपा ने नहीं खोले हैं, तमाम जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, वहां पर भी नामों पर चर्चा की गई थी, तो नाम जब तक फाइनल नहीं होता है देखना होगा किसका होगा, लेकिन ये तय माना जाता है कि शहर विधानसभा सीट हमेशा से भाजपा के फेवर में ही रही है और भाजपा को लोगों ने पसंद भी किया है इस विधानसभा सीट से, चाहे फिर नाम किसी का भी हो और जाति कोई सी भी हो, तो जाति भी मैटर नहीं करती है, लेकिन वोटर्स के लिहाज से 4,20,000 लगभग वोटर्स हैं और सबसे ज्यादा वोटर्स दलित हैं, दूसरे नंबर पर बात करें तो ब्राह्मण वोटर्स आ जाते हैं, तीसरे पर ठाकुर समाज के वोटर्स आ जाते हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम जातीय समीकरण को भी देखें तो कुल मिलाकर समीकरण भाजपा के फेवर में दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले एक अचंभत करने वाली जो 2000 अगर हम बात करें 12 से पहले का जो चुनाव था उसके अंदर यहां से बसपा ने जीत हासिल की थी, सुरेश बंसल बसपा से कैंडिडेट रहे थे शहर विधानसभा सीट से, तो उन्होंने पटकी दी थी कांग्रेस विधायक को, तो उसके बाद से चीजें चेंज हुई, समीकरण चेंज हुई और लगातार जब भाजपा आई, भाजपा की सरकार लगातार बनी 12 से लेकर 17 की बात करें, 17 से 22 के दोनों बार अतुल गर्ग यहां से जीते, तो अब चुनावी जो घोषणा है वो तो हो गई है, लेकिन चुनावी रण के अंदर, मैदान के अंदर किसको टिकट दी जाती है, किसके कंधों पर जिम्मेदारी जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि भाजपा का दावा तो यही है कि इस बार क्लीन स्वीप करेंगे और ये बात बिल्कुल सही कही है कि सरकार जिसकी भी होती है उसके फेवर में उपचुनाव हमेशा जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे लेकिन 9 पर अब उपचुनाव हो रहे हैं, 1 सीट पर टाल दिया गया है उपचुनाव, तो ऐसे में 9 की 9 जो विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है कहीं ना कहीं भाजपा को उसमें एज मिलता हुआ दिखाई देगा। पूरे यूपी की बात करें तो
मुजफ्फरनगर के अंदर भी जो सीट है वहां पर भी उपचुनाव होना है, तो देखना होगा किस तरह से पूरे नतीजे आएंगे। 23 तारीख को नतीजे सामने होंगे, लेकिन उससे पहले जो वोटिंग होगी वो 13 तारीख को ही वोटिंग होगी और आज आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो गई है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी बैठक की है। तो गाजियाबाद को लेकर भी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कैंडिडेट कौन होंगे, भाजपा से कौन होगा, बीएसपी से कौन कैंडिडेट होगा सामने, क्योंकि बीएसपी भी अपने पत्ते इस बार लेट खोलेगी, वो देखेगी पहले किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए और उसके बाद कांग्रेस भी सोचेगी कि किसको उतारा जाए। कांग्रेस ने तमाम कैंडिडेट्स को पहले मैदान में उतारा है और सबको मुंह की खानी पड़ी है गाजियाबाद के अंदर। उसकी एक बड़ी वजह यही रही है, या तो भाजपा जीतती है या फिर बीएसपी जीतती है, तो टक्कर जो रहेगी यहाँ पर बीएसपी और भाजपा के अंदर देखने को मिलेगी। एक बार फूलपुर सीट पे और जाति आंकड़ा क्यों, क्योंकि देखा जाए मानवेंद्र, कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं, क्योंकि कहा जाए तो पश्चिमी यूपी में जातिगत आंकड़ा बहुत मायने नहीं रखता। हम कहते हैं 80%, लेकिन 100% उधर जब हम चले जाते हैं लखनऊ के आगे, प्रयागराज या पूर्वांचल की तरफ रुख करते हैं, तो जातिगत आंकड़ा बहुत मायने रखता है। कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है प्रत्याशी का, बीजेपी अभी इसे लेकर आकलन कर रही कि किसे उतारा जाए। तो ऐसे में जो अगर देखा जाए जो कैनवास होगा फूलपुर सीट को जाति आंकड़े को लेकर, वो क्या कहता है? देखिए, फूलपुर सीट की बात करें तो सबसे अधिक वहां पर पटेल वोटर्स हैं, यादव और मुस्लिम भी उसके बाद जो सबसे बड़े संख्या है वहां पर जो वोटर्स की, वो वहां पर मौजूद हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अपना कैलकुलेशन कर लिया है। मुश्तबा सिद्दीकी मुस्लिम चेहरा है, मुस्लिम्स का वोट उनको मिलना है और इसके अलावा यादव का वोट उनको मिलना है, ये वो मान के चल रहे हैं। इसके अलावा अगर पटेल वोट जो कुर्मी वोट है उसमें कुछ हद तक सेंध लग जाती है तो समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि उनको जीत मिल जाएगी। और जो तमाम जातियां हैं, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया था दलितों के वोट का कुछ परसेंटेज उनको मिला था, तो ये सारा आंकड़ा समाजवादी पार्टी का है। चूंकि 2700 कुछ वोट से मुश्तबा सिद्दीकी 2022 में हारे थे, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है। आशीष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जातीय जो समीकरण है फूलपुर सीट का, सबसे अधिक कुर्मी है, फिर यादव मुस्लिम है, तो वो समाजवादी पार्टी ने जो एक कैंडिडेट खड़ा किया उनको लगता है कि मुस्लिम उनको मिल जाएगा, यादव को मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर कुछ पटेल वोटर्स मिल जाते हैं बैकवर्ड और SC ST का, तो वो जीत जाएंगे। आपका क्या कैलकुलेशन? देखिए, 2014 के चुनाव के पहले, या 2014 के जब चुनाव हो रहा था उसके पहले, जब लोगों में सामान्य चर्चा होती थी तो यही बात होती थी कि अमुक अमुक जाति, अमुक अमुक धर्म के लोग या वर्ग के लोग फलानी पार्टी के साथ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव हुआ और जाति समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जब सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू किया तो हर दल में हाहाकार मच गया और लोग अपने अपने दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ती चली जा रही थी। और हमने उन जाति समीकरणों को, उनके जो मिथक थे कि एक मान लीजिए यादव है वो समाजवादी पार्टी का है, या पटेल है किसी दूसरी पार्टी का है, ब्राह्मण बनिया किसी दूसरी पार्टी का है, तो ये जो मिथक बने हुए थे इसको 2014 में हमने तोड़ा। लेकिन आप भी पटेल कैंडिडेट आपकी पार्टी से भी आएगा? हमारी पार्टी से तो सारे कैंडिडेट आएंगे, हमारे में तो ब्राह्मण भी लड़ेगा, बनिया भी लड़ेगा, पटेल भी लड़ेगा, यादव भी लड़ेगा, सब लड़ेंगे हमारे यहाँ, हमें इसकी कोई बात नहीं। हमारी पार्टी में तो आप उठा के देखेंगे तो गुलदस्ता है हमारे यहाँ। हम खाली ये नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ हमको केवल यादव का वोट चाहिए या ब्राह्मण का वोट चाहिए या वैश्य का वोट चाहिए, हमारे पास सारे वोट है। भारत की अकेली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको सभी जातियों का वोट मिलता है, इसीलिए आज हम सत्ता में हैं, इसीलिए तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये जो कहना कि अगर उनके पास यादव चला जाएगा पटेल चला जाएगा, पटेल अपना दल का गठबंधन हमारे साथ है और पटेल व्यक्तिगत रूप से हम सबसे जुड़ा हुआ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, इसलिए पटेल वोट भी हमको मिलेगा, यादव वोट भी हमको मिलेगा और अन्य जो हिंदू जातियां सभी का वोट हमको मिलेगा और चुनाव में जीत भी हमारी ही होगी 10 सीट पर। आपकी होगी, मुख्यमंत्री एक सभा कर चुके हैं, डिप्टी सीएम उस सीट के प्रभारी हैं। मानवेंद्र, धन्यवाद। जीत, आपका भी धन्यवाद। हिमांशु, आपका भी धन्यवाद। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया।